हाँ जी बच्चे, आज हम समझेंगे, आज की क्लास में हम समझेंगे लॉन्ग रन सप्लाई कर्व। सर वो भी सर ऊपर में जाएंगे, इससे ऊपर अभी पढ़ा रहे बच्चों को पढ़ा रहे हैं लॉन्ग रन सप्लाई कर्व पढ़ेंगे आज हम। ठीक है, बेसिकली बच्चे लॉन्ग रन सप्लाई कर्व क्या होता है, इस चीज को आप पहले समझेंगे। लॉन्ग रन के अंदर अगर आप देखेंगे, एक लंबे समय के बारे में अगर आप सोचते हैं, तो किसी का भी प्राइस फिक्स नहीं रहता है। जो हमारे इनपुट्स होते हैं, जैसे कि लेबर हो गया, लैंड हो गया, कैपिटल हो गया, इनके प्राइस भी लंबे समय के लिए, आप ये नहीं कह सकते कि आज मेरा वेजिस ये है लेबर का, तो आने वाले 10 साल के बाद भी यही वेजिस रहेगा, वेजिस चेंज हो चुका होगा। अगर रेंट है, तो आज जो रेंट है, आने वाले 5-10 साल बाद वो रेंट, लॉन्ग रन मतलब एक लंबे समय में वो चेंज हो चुका होगा। तो लॉन्ग रन में, जैसे शॉर्ट रन में क्या था कि कमोडिटी के प्राइस में तो चेंज आपका आएगा, लेकिन जो उसके जो इनपुट्स है जिससे वो बनता है, उनके प्राइस कॉन्स्टेंट थे, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा था, ये शॉर्ट रन था। बट लॉन्ग रन क्या रहता है, लॉन्ग रन के अंदर इनपुट्स के प्राइसेस में भी चेंजेस आ जाते हैं। तो यहां पर कुछ भी फिक्स नहीं है, आपके कमोडिटी के प्राइसेस में भी चेंज रहेंगे और उसके इनपुट्स के प्राइसेस में भी आपके चेंज रहेंगे। तो लॉन्ग रन, अगर सप्लाई कर्व, लॉन्ग रन अगर मैं सप्लाई कर्व की बात करता हूं, तो ये आपके पास में लॉन्ग रन सप्लाई कर्व कुछ इस तरीके को देखने को मिलेगा। अब सवाल ये कि सर ऐसा क्यों देखने को मिलेगा, तो आइए पहले शॉर्ट रन पे चलते हैं और वहां एक हम इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम जरा देख लेते हैं कि क्या है। शॉर्ट रन के अंदर इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम क्या है, हम इस चीज को देख लेते हैं। ये एग्रीगेट डिमांड हो गया शॉर्ट रन में, और शॉर्ट रन में ये क्या हो गया हमारा, एग्रीगेट सप्लाई हो गया, और ये इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया, दिस वन हमारे पास में जीडीपी हो गया, और ये हमारे पास में प्राइस हो गया, प्राइस लेवल हो गया, और रीजन है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। क्लियर है? अगर इकोनॉमी, अब यहां पे देखिएगा क्या हो रहा है कि अगर इकोनॉमी के अंदर, मान लो इकोनॉमी अपने पूरे फुल्ली एफिशिएंसी से काम कर रही है, अपने पूरे पोटेंशियल पे काम कर रही है, जितने इकोनॉमी की पोटेंशियल है उतना वो चीजों को, गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रही है। एक इकोनॉमी अपने लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर जो इकोनॉमी के पास रिसोर्सेस है उसके फुल्ली यूटिलाइज कर रहा है, फुल पोटेंशियल से काम कर रही है, और जितना भी जीडीपी का प्रोडक्शन कर सकती है उसका वो प्रोडक्शन कर रही है अपने फुल पोटेंशियल से। लेकिन इकोनॉमी के अंदर अगर एग्रीगेट एक्सपेंडिचर बढ़ जाए, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर किस सेंस में बढ़ सकता है, मान लो कि गवर्नमेंट जो है करेंसी इशू कर दे, एक्स्ट्रा करेंसी छाप करके लोगों को सब्सिडी, क्योंकि मान लो इलेक्शन का टाइम हो, लोगों को जो है रिझाना हो, तो इस सिचुएशन में एक्स्ट्रा मनी इशू कर दे। एक्स्ट्रा मनी कैसे, ट्रांसफर पेमेंट कर दे, ओल्ड एज पेंशन स्टार्ट कर दे, और ये सारे स्कीम चला दे, जिससे कि इकोनॉमी में मनी फ्लो आपका बढ़ जाएगा, और ये मनी फ्लो से आपका एग्रीगेट एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट बढ़ा देगी, और इससे एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगा, और आपका जो एग्रीगेट डिमांड अगर आपका बढ़ जाता है तो आप इस पॉइंट पर आप आएंगे। क्लियर है? लेकिन आप इस बात को समझिएगा, ये शॉर्ट रन के इक्विलिब्रियम की बात है, शॉर्ट रन की बात है। बट लॉन्ग रन में अगर आप जाते हैं, अगर आपका एग्रीगेट डिमांड आपका एक्सपेंशनरी हो जाता है, वो अगर आपका बढ़ जाता है, तो आप इस चीज को देखेंगे लॉन्ग रन के अंदर कि फिर आपके जो है लेबर के रेट भी आपको बढ़ेंगे। हाँ जी, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, जब प्राइजेस ऑफ इनपुट्स एक लंबे समय में, फिर क्योंकि जो पोटेंशियल था उससे ज्यादा आप काम कर रहे हैं, तो फिर आपके इनपुट्स के प्राइस बढ़ेगा, और इनपुट्स का प्राइस अगर आपके बढ़ने लग गए तो एज अ सप्लायर के लिए क्या होगा, सप्लाई करने में डिफिकल्टीज आएगी, क्योंकि अगर इनपुट्स के प्राइस बढ़ते हैं तो आपका पर यूनिट कॉस्ट भी आपका बढ़ जाता है। एज अ सप्लायर मेरे लिए लैंड महंगा हो जाएगा, लेबर महंगा हो जाएगा, कैपिटल एंड लोन, ये सारी चीज अगर मेरे लिए महंगा हो जाएगा, तो यहां पर आप देखेंगे कि मेरे लिए प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगा, और प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगा तो पर यूनिट कॉस्ट बढ़ जाएगा। और एज अ सप्लायर के लिए अगर प्रोडक्शन कॉस्ट अगर बढ़ जाता है, सप्लाई चीजों को बनाने की लागत बढ़ जाती है, तो कहीं ना कहीं वो उतनी सप्लाई नहीं कर पाएगा, सप्लाई पहले कंपेटिवली कम कर पाएगा।
तो उसकी सप्लाई क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। तो सप्लाई उसकी रिड्यूस होकर के कुछ इस तरीके से जो है सप्लाई कर्व आपका बैकवर्ड आ जाएगा। और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे कर दी, कोई बात नहीं, कुछ इस तरीके से आपका जो है ना सप्लाई आपका हो जाएगा और ये आपका कुछ इस तरीके से इंटरसेक्ट होगा। तो आप देख रहे हैं कि स्टार्टिंग में आप यहां पर सप्लाई कर रहे थे और अब फिर दोबारा से आप अपने सप्लाई पे बढ़ाने के बाद भी आपका सप्लाई वापस यहीं पर आ गया, सप्लाई वापस बैकवर्ड आ गया। तो ये सप्लाई कर्व कैसा बन रहा है आपका, एक तरीके का पैरेलल टू वाई एक्सिस बन रहा है। तो बस इतना भी ध्यान रखेंगे काफी रहेगा कि लॉन्ग रन में आपका सप्लाई कर्व कैसा रहता है, पैरेलल टू वाई एक्सिस रहता है। अब सप्लाई शॉक क्या होता है, सवाल ये है क्योंकि आपके क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में अगर आप सेकंड पढ़ने जाते हैं आपके पास पे सप्लाई शॉक की बात करेगा। सप्लाई शॉक ये भी देख लेते हैं हम, सप्लाई शॉक क्या होता है। बच्चे सप्लाई शॉक का मतलब क्या होता है, सप्लाई कर्व का शिफ्ट होना, मतलब हमारे इकोनॉमी की एग्रीगेट सप्लाई का बढ़ना, हमारे इकोनॉमी में एग्रीगेट सप्लाई का कम हो जाना। हमारे इकोनॉमी की एग्रीगेट सप्लाई में जो भी चेंजेस आता है उसको हम सप्लाई शॉक कहेंगे। क्लियर है? अब एग्जाम्पल के लिए दिस वन, जनरली आप सप्लाई कर्व क्या देखते हैं, ये देखते हैं सप्लाई कर्व, शॉर्ट टर्म एग्रीगेट सप्लाई की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, शॉर्ट टर्म एग्रीगेट सप्लाई की बात कर रहा हूं। तो ये अगर आपका शॉर्ट टर्म एग्रीगेट सप्लाई, और मैं डिमांड की भी चलिए बात कर ही लेते हैं, दिस वन ओ वाई प्राइस लेवल एक्स एक्सिस, ठीक है जी। तो आपके पास सप्लाई कर्व है ना, तो सप्लाई कर्व अगर आपके पास में दिस वन, सप्लाई अगर आपकी बढ़ जाती है, शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई, अगर सप्लाई आपकी बढ़ जाएगी तो आप क्या देखेंगे कि आपकी जीडीपी बढ़ जाएगी, लेकिन आपकी जो प्राइस है, प्राइस आपका क्या हो जाएगा, फॉल हो जाएगा अगर सप्लाई आपका बढ़ जाएगा। सप्लाई क्यों बढ़ सकती है, बहुत सारे रीजन है सप्लाई बढ़ने के। अगर एज अ मेरे लिए इनपुट्स के प्राइस फॉल हो जाए इकोनॉमी के अंदर, मेरे लिए लेबर सस्ता हो जाए इकोनॉमी में, मेरे लिए रेंट सस्ता हो जाए, मेरे लिए इंटरेस्ट सस्ता हो जाए, बैंक जो है या फिर आरबीआई की पॉलिसी के थ्रू बैंक रेट जो है या लोन रेट क्या हो गया, कम हो गया, तो इस तरीके से मेरा प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो जाएगा, और प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो जाएगा तो मेरी कैपेसिटी ज्यादा हो जाएगी चीजों को प्रोड्यूस करने की, तो इकोनॉमी में सप्लाई बढ़ जाएगा। तो ये एक रीजन होता है, ये एक रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स है जिससे कि सप्लाई इंक्रीज होती है। अगर इसका एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा कि अगर मेरे पास में लेबर महंगे हो जाए, इंटरेस्ट महंगा हो जाए, मतलब कि प्रोडक्शन कॉस्ट अगर मेरा बढ़ रहा है तो सप्लाई फिर बैकवर्ड आ जाता है। राइट वर्ड के बारे में बता देता हूं मैं, और जैसे इकोनॉमी के अंदर सप्लाई आपकी बढ़ती है तो आप एक चीज ऑब्जर्व करते हैं कि इकोनॉमी की जीडीपी तो बढ़ेगी क्योंकि गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन पहले से ज्यादा हुआ है, लेकिन आपके गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस क्या होंगे, वो प्राइस आपके फॉल होने स्टार्ट हो जाएंगे। क्लियर है जी? और इसी तरीके से सप्लाई शॉक के अंदर आपके पास में सप्लाई कर्व आपका जो है लेफ्ट वर्ड भी शिफ्ट हो सकता है। सप्लाई इंक्रीज होने के पीछे रीजन ये भी कि आपके पास में टेक्नोलॉजी आपकी नई आ गई। अगर इकोनॉमी के अंदर नई टेक्नोलॉजी अगर अडॉप्ट कर ली इकोनॉमी ने, किसी कॉमोडिटी को लेकर के न्यू टेक्नोलॉजी आ गई है, जैसे कि आप देखेंगे कि ग्रीन रेवोल्यूशन नाम की एक न्यू टेक्नोलॉजी आई थी जिससे कि हमने अपने पैदावार बढ़ाए, तो उससे भी सप्लाई हमारी बढ़ जाती है। तो सिर्फ सप्लाई बढ़ने के दो यहाँ पर मेनली आप कारण देखेंगे कि एक तो सबसे पहला है कि अगर आपका प्रोडक्शन कॉस्ट कम होता है तो सप्लाई इंक्रीज होती है, ये फैक्टर्स है सप्लाई शॉक के जिससे सप्लाई इंक्रीज होती है। दूसरा, अगर टेक्नोलॉजी अगर आती है तो उससे भी आपके सप्लाई क्या हो जाएगा, अगर अच्छी और एडवांस टेक्नोलॉजी आएगी तो आपसे भी आपकी सप्लाई बढ़ जाएगी। उसके बाद अगर एजुकेशन बेटर हुआ जिससे कि लेबर एफिशिएंट हो जाएंगे, पहले से ज्यादा प्रोडक्शन करके दे पाएंगे, तो वहां से भी आपकी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर है? और इसी का वाइस वर्सा, अगर आपका प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाए, टेक्नोलॉजी बैकवर्ड हो जाए आपका, आपके जो है एजुकेशन सिस्टम जो है वो कोलैप्स हो जाए, तो इस सारे सिस्टम की वजह से आपकी सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ पर यही सारे आपके पास में रीजन है, सप्लाई आपका जो है राइट वर्ड भी जाता है, आपका लेफ्ट वर्ड भी जाता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं सप्लाई शॉक। क्लियर है जी? ये समझ में आपको आया? अब क्वेश्चन आपका क्या कहता है, ये तो क्वेश्चन हमारा हो गया था, शो विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम दैट एग्रीगेट डिमांड शॉक कॉज द प्राइस लेवल एंड द रियल जीडीपी टू चेंज इन द सेम डायरेक्शन। अब सवाल यह है
एग्रीगेट डिमांड शॉक की वजह से अगर मैं एक डायग्राम बनाता हूं, दिस वन, पहले इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम कर लो आप, एग्रीगेट शॉर्ट रन एग्रीगेट डिमांड, शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई, पहले इक्विलिब्रियम लेवल बना लो आप, वाई प्राइस। अब क्या कह रहा है कि एग्रीगेट डिमांड शॉक हुआ जिसकी वजह से क्या हो जाए, आपका जीडीपी भी बढ़ जाए और प्राइस भी बढ़ जाए, मतलब दोनों में सेम डायरेक्शन है मूवमेंट हो, तो इसका एक ही रीजन है, एग्रीगेट डिमांड आपका अगर इंक्रीज हो जाए तो शॉर्ट रन एग्रीगेट डिमांड शॉक, अगर ये आपका बढ़ जाएगा, मतलब आप एग्रीगेट इसमें करोगे तो आप क्या देखोगे, आपका नेशनल इनकम भी बढ़ गया और आपका जो है कमोडिटी की प्राइस भी आपकी बढ़ गई है, तो ये आपके पास में ये कह रहा है, अगर आपने इसको कम कर लिया तो सेम डायरेक्शन में मूव होगा, क्लियर है, ये यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं ना, पहले ई पे थे, फिर ई वन पर हुए, अब ई टू पर हुए, तो आप यहाँ पर देखिए प्राइस भी आपका फॉल हुआ और नेशनल इनकम भी फॉल हुआ, तो अगर आपका एग्रीगेट डिमांड शॉक से क्या हो रहा है कि दोनों में सेम डायरेक्शन में चेंजेस आ रहे हैं, आपके जीडीपी में भी और आपके प्राइस में भी, तो आप उसको राइट एंड लेफ्ट करके आप दिखा सकते हैं। आगे क्या कहता है, शो विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम द एग्रीगेट डिमांड शॉक्स कॉज द प्राइस लेवल एंड द रियल जीडीपी टू चेंज इन द सेम डायरेक्शन, तो एग्रीगेट डिमांड में शॉक जो आता है उससे सेम डायरेक्शन में चेंज आता है, व्हाइल एग्रीगेट सप्लाई शॉक्स कॉज द प्राइस लेवल एंड द रियल जीडीपी टू चेंज इन द अपोजिट डायरेक्शन, कि अगर एग्रीगेट डिमांड में शॉक आया मतलब डिमांड में अगर शिफ्टिंग हुई चाहे वो राइट हो चाहे वो लेफ्ट हो, तो दोनों जगह पर सेम डायरेक्शन में चेंज आता है, कहां कहां पर, रियल जीडीपी में और प्राइस में, और अगर सप्लाई शॉक हुआ तो वहां पर दोनों में अपोजिट चेंज आता है, कैसे आता है उसको भी देख लेते हैं जरा। अगर हमारे पास में शॉर्ट रन एग्रीगेट डिमांड, शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई, अगर आपका एग्रीगेट डिमांड शॉक आ गया तो दोनों में सेम डायरेक्शन में चेंज आएगा, बट अगर आपका एग्रीगेट शॉर्ट रन, क्या कह रहे हैं आप, देखते हैं अभी, अगर आपके पास में बच्चे शॉर्ट रन, अगर आपके पास में एग्रीगेट सप्लाई की अगर मैं बात करता हूं यहां पर, तो आपके एग्रीगेट सप्लाई में इसमें शॉर्ट आ रहा है, इसमें शॉक आ रहा है, तो मतलब ये राइट या लेफ्ट कहीं भी जहां दिलाए वहां किसका दो, दिस वन किसका दिया, तो क्या देखा आपने, जीडीपी तो आपका बढ़ गया लेकिन आपका प्राइस क्या हुआ, प्राइस आपका कम हो गया, तो ये बात कहने के लिए कह रहा है कि भैया जब डिमांड में शॉक आता है तो दोनों में सेम डायरेक्शन में चेंज आता है, और जब आपका सप्लाई में शॉक आता है तो अपोजिट डायरेक्शन में चेंज आता है, एक अगर बढ़ रहा है तो दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा आपका घट जाएगा, क्लियर है, क्योंकि डिमांड बढ़ने से क्या होता है, कभी भी इकोनॉमी के अंदर जब डिमांड बढ़ता है तो प्रोडक्शन लेवल भी बढ़ता है, जब प्रोडक्शन लेवल बढ़ता है तो जीडीपी बढ़ता है, और डिमांड बढ़ने से क्या होता है कि कमोडिटी की फिर प्राइसेस भी बढ़ती है, तो इसलिए सेम डायरेक्शन में चेंज आता है, पर सप्लाई में क्या होता है, जब सप्लाई अगर आपकी जो है वो अगर इंक्रीज हो जाए, मान लो या तो मैंने कहा इंक्रीज हो जाए सप्लाई, तो आउटपुट लेवल बढ़ने की वजह से उसके प्राइस डाउन हो जाते हैं, बट आउटपुट लेवल ज्यादा प्रोड्यूस हुआ है तो उससे जीडीपी हमारा बढ़ता है, तो ये दो बातों को बताने कह रहा था, दोनों को आप एक डायग्राम के हेल्प से आप बता सकते थे, क्लियर है, दिस वन, डिफरेंशिएट बिटवीन द शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व एंड लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व, शॉर्ट रन तो ये होता है और लॉन्ग रन के बारे में बता चुका हूं आपको, ठीक है जी, ये बताता है कि प्राइस में अगर आपने चेंज करा भी तो आपकी सप्लाई इतनी रहेगी, मेरा कहने का मतलब ये है बच्चे कि अगर एक इकोनॉमी अपने फुल्ली पोटेंशियल से काम कर रही है, अपने सारे गुड्स एंड सर्विसेज को यूज करके प्रोडक्शन कर रही है, अगर मेरे पास में मेरी जितनी भी कैपेसिटी है मैं उतने समोसे बना रहा हूं और इतना फेमस समोसा है कि सारा वो बिक जाता है, अब मैं क्या करूं, पूरा दिन लगा के बना तो रहा हूं मैं, खिला तो रहा हूं लोगों को, अब मैं क्या करूं, अब वो समोसे के प्राइस बढ़ते चले जाएंगे, आप अपने गली मोहल्ले में ऐसे कुछ दुकानों को देखिए जो बड़ा फेमस है, शुरू में क्या उसकी कीमत थी, वो बड़ा व्यस्त रहता है, पूरा बिजी रहता है, अपनी पूरी पोटेंशियल जब डाल देता है उसके बाद भी लोगों की डिमांड बिकनी बंद नहीं होती है, तो उसी चीज के प्राइस ज्यादा कर देता है कि भैया जो ज्यादा पे करेगा ये उसको दे दूंगा मैं, यही होता है ना, तो इकोनॉमी के अंदर जब इकोनॉमी फुल्ली पोटेंशियल से, लॉन्ग रन का मतलब ये होता है कि आने वाले, अभी फुल्ली पोटेंशियल से काम नहीं कर रही है पर आने वाले समय में तो पूरी पोटेंशियल से काम करेगी इकोनॉमी, तो वहां पर अगर आप और डिमांड करोगे तो कमोडिटी की प्राइस ही बढ़ेगी, बट हमारे कमोडिटी का प्रोडक्शन नहीं बढ़ सकता है, क्लियर है, तो ये हमारा लॉन्ग रन जो सप्लाई कर्व है। अब व्हाट इज देन द एग्रीगेट सप्लाई शॉक, अब वही मैंने बताया ना एग्रीगेट सप्लाई शॉक क्या होता है, राइट वर्ड एंड लेफ्ट वर्ड, एक्सप्लेन द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एग्रीगेट सप्लाई शॉक, अब एग्रीगेट सप्लाई शॉक के पीछे फैक्टर्स क्या है, बताया था आपको, देखो
हाँ जी देखें जरा यहां पे। अब आपके पास है क्वेश्चन, क्या यहां पे क्वेश्चन बच्चे आपके पास में यह है, व्हाट इज एन एग्रीगेट सप्लाई शॉक। तो एग्रीगेट सप्लाई शॉक क्या ऑलरेडी बता चुका हूं मैं। एक्सप्लेन द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल, तो क्या फैक्टर है, तो चेंज इन द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन क्या होता है, मतलब कि अगर आपने लैंड हायर कर रखा है तो आपको क्या देना पड़ रहा है, आपको रेंट देना पड़ रहा है, ठीक है। अगर आपने कैपिटल लिया हुआ है तो आपको क्या करना पड़ रहा है, आपको इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, बात समझे। क्लियर है। लैंड अगर आपने लेबर लिया हुआ है तो आपको उसको वेजेस देना पड़ रहा है, प्रोडक्शन में तो सारी चीजें यूज होते हैं। एज अ एंटरप्रेन्योर आपको अपने लिए प्रॉफिट भी कमाना है, तो ये सब चीजें तो क्या होती है, प्रोडक्शन में यूज होती है ना। अगर ये रेंट बढ़ जाए, इंटरेस्ट बढ़ जाए, वेजेस बढ़ जाए, प्रॉफिट बढ़ जाए, तो इससे इसका मतलब क्या हुआ, चेंज इन द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन, इसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन। अगर ये बढ़ जाता है ना, तो एज अ प्रोड्यूसर के लिए चीजों को प्रोड्यूस करना, उसकी कैपेसिटी कम हो जाती है प्रोडक्शन की। पहले 1 लाख रुपए के बजट में जितना प्रोडक्शन कर सकता था, अब 1 लाख के बजट में उतना प्रोडक्शन नहीं कर पाएगा, उससे कम क्वांटिटी प्रोड्यूस कर पाएगा। अगर कॉस्ट बढ़ गया प्रोडक्शन कॉस्ट, तो सप्लाई ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्लियर है। और अगर ये प्रोडक्शन कॉस्ट डाउन होता है तो सप्लाई क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो सबसे पहले कि सप्लाई के घटने बढ़ने के पीछे क्या चीज रिस्पॉन्सिबल है, क्वेश्चन मेरा ये, तो चेंज इन द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन। क्लियर है जी, बात समझ गए। अब वही बात कह रहा है कि अगर आपके प्रोडक्शन कॉस्ट अगर मेरे बढ़ जाए तो सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, मीन सप्लाई कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर है। सप्लाई कम होने का मतलब होता है जीडीपी कम हो जाएगा, और जब इकोनॉमी में सप्लाई किसी चीज को लेकर के कम हो तो उसकी प्राइस भी बढ़ती है। आपको पता नहीं है, अभी मास सैनिटाइजर की सप्लाई कम थी तो प्राइस बढ़ गई थी, नहीं बढ़ गई थी बताओ। तो सप्लाई लेफ्टवर्ड हो जाएगा तो उसकी प्राइस बढ़ते हैं, और कम होने की वजह से जीडीपी कम होता है। और इसी तरीके से अगर आपके प्रोडक्शन कॉस्ट अगर आपके रिड्यूस हो जाते हैं, तो सप्लाई आपका क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, जिससे कि आपका जीडीपी बढ़ेगा, लेकिन सप्लाई ज्यादा होने की वजह से क्या होता है, प्राइस आपके कम हो जाते हैं। अब आगे क्या है, प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। अगर एक जैसे पाकिस्तान में प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर लो है, क्यों, वहां एजुकेशन नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, तो उसको कहते हैं लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। इंडिया जैसी कंट्री में, क्लियर है, या फिर आप चाइना जैसी कंट्री में, जापान जैसी कंट्री में प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, खासकर जितनी डेवलप कंट्री अगर आप देखोगे ना, उतनी ज्यादा आपकी प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर ज्यादा मिलेगा, वो उतने ज्यादा एफिशिएंट लेबर होते हैं वहां पे काम करने वाले, क्योंकि वहां का एजुकेशन बेटर होता है। तो अगर प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर बेटर है, इकोनॉमी में बेटर इंप्रूव हो गया, तो वही लेबर हमारा उसी वेजेस में, उसी कॉस्ट में पहले से ज्यादा प्रोडक्शन करके दे सकता है। एक आप बिल्कुल स्लो, आप बिल्कुल ऐसे मंद बुद्धि वाले लेबर को काम पे रख दो, वो कितना प्रोड्यूस कर पाएगा, और एक थोड़ा तेज तर्रार लेबर को काम पे रखो अपने, वो कितना काम कर पाएगा। आप देख पाते हैं ना कि सेम वेजेस दोनों ही लेगा, तो और आपका प्रोडक्शन पहले ज्यादा होगा। तो अगर आपकी प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इंप्रूव होती है तो हमारा सप्लाई बढ़ेगा, जिसके लिए मैं यही कर बनाऊंगा। अगर ये आपका बैकवर्ड होता है, जैसे कि पाकिस्तान में पहले ठीक हो रहा था, बट फिर दोबारा से उन्होंने पता नहीं क्या उनके मन में आया, तो एजुकेशन के से पीछे हुए, तो फिर वापस बैकवर्ड हो गया। क्लियर है। और इसमें एक पॉइंट और है, क्या, दो ही पॉइंट इसमें बताए हुए हैं। आप टेक्नोलॉजी को भी एक पॉइंट ऐड कर सकते हैं कि अगर टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुआ तो उस इंप्रूव टेक्नोलॉजी के अंदर आप क्या कर सकते हैं, अगर टेक्नोलॉजी आपका आपकी इकोनॉमी में न्यू टेक्नोलॉजी हुई, या तो आपका इनोवेशन हो गया इकोनॉमी के अंदर नए टेक्नोलॉजी का, तो वहां जैसे कि ग्रीन रेवोल्यूशन हमारी इकोनॉमी में 1965 में आया था, तो वहां पर टेक्नोलॉजी नहीं आई थी हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में, तो हमारी क्या हुई, सप्लाई बढ़ी थी, नहीं बढ़ी थी। क्लियर है जी। तो ये कुछ ऐसे रीजंस होते हैं जिससे कि सप्लाई कर्व, सप्लाई इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, और सप्लाई के में चेंज आने को सप्लाई जो है शेक कहते हैं। क्लियर है। वो राइट एंड लेफ्टवर्ड होता है, और आप सप्लाई शेक कभी भी होगा तो जीडीपी में और प्राइस में अपोजिट रिलेशन होगा, और डिमांड शेक कभी भी होगा तो दोनों में पॉजिटिव रिलेशन होगा। इस बातों को ध्यान रखिएगा।